गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है सैटरडे और अभी बज रहे हैं 9:30। तो मैं आज सैटरडे होके भी सबसे लेजीएस्ट डे होके भी मैं जल्दी उठ गई, आई डोंट नो व्हाई। तो अभी मैं बस, आपने देखा मैं गर्म पानी पी रही थी, तो उससे पहले मैंने चाय भी पी थी, वो मैंने शूट नहीं किया। और अभी मैं गर्म पानी पी के बैठी हूँ और मुझे इतना हालत सारा था कि मैं यहाँ पे ऐसे बस ऐसे लग रहा है यहाँ पे वापस सो जाऊँ। बट नहीं, हम लोग रेडी होंगे और रेडी होने के बाद मैं लंच वगैरह प्रिपेयर करूँगी और उसके बाद मैं जाऊँगी थाने द फूड टाउन एक्सप्लोर करने मेरे फ्रेंड्स के साथ। सो यस, आई कैच यू गाइज व्हेन आई लीव फॉर थाने। सो बाय। यहाँ पे वेदर बहुत ही ब्यूटीफुल हो रहा है, आप जैसे देख सकते हो। बारिश नहीं आ रही है, बारिश रात को आती है और फिर सुबह नहीं आती है। आई एम रियली वेटिंग फॉर रेन, पता नहीं क्यों, बट आई एम वेरी एक्साइटेड। अब मैं बना रही हूँ बेसन के चीले फॉर ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे मैंने बेसन का घोल कर लिया है पानी डाल के, और उसमें मैंने हरा धनिया और हरी मिर्च डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है। उसके बाद मैंने डाला नमक, लाल मिर्च पाउडर और इसे अच्छे से कर देना है मिक्स। और फिर मैंने ले लिया एक पैन और उस पर डाल दिया है तेल, क्योंकि जब भी आप पहला चीला बनाओ ना, मेक श्योर यू ऐड ऑयल, नहीं तो वो चिपक जाएगा। और अगर पोटैटो वगैरह भी आप इस पर घिस रहे हो ना, तो उससे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने ट्राई कर लिया है। तो ये हैक बहुत काम करता है कि आप थोड़ा ऑयल डाल दो और आपका फर्स्ट चीला बना लो, और उसके बाद आप जितने भी चीले बनाओगे बिल्कुल ऑयल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप चाहिए तो ऑयल डाल के एक छोटा सा चीला बना सकते हो और फिर आप बाकी के चीले रेडी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने पैन पे ऑयल डाल के और बैटर डाल दिया है, उसको अच्छे से स्प्रेड कर लिया है और मीडियम फ्लेम पे कुक होने दिया। उसके बाद एक साइड से ये कुक हो चुका है और मैंने इसको फ्लिप कर दिया है, और यहाँ पे मेरी चाय भी बन रही है गर्मा गर्म, और हमारा चीला भी रेडी हो चुका है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में और करते हैं ब्रेकफास्ट। तो मेरा ब्रेकफास्ट रेडी है और मैं इसे खा लेती हूँ, मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लग रही है और मौसम भी कुछ ऐसा ही बना हुआ है कि ये सब चीज़ें खाने का मन कर रहा है। तो यस, तो यहाँ पे मुझे एक पार्सल रिसीव हुआ है जो कि मैंने ऑर्डर किया था अमेज़ॉन से। एक्चुअली ये साइड टेबल है, इस पर आप फ्लावर पॉट्स या फिर चार्जिंग वगैरह करते हो तो उस पर ऐसा रख सकते हो। सो ये मैंने गोल्डन कलर में ऑर्डर किया था विथ वाइट मार्बल ऑन टॉप, बहुत ही अच्छी आई है, बट मुझे इसका जो कलर है वो इतना नहीं पसंद आया। मुझे थोड़ा गोल्ड जो कलर है ना, इसका थोड़ा शाइन में चाहिए था, बट इट्स ओके, ये भी चल जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसका मार्बल जो है उसको भी अनरैप कर रही हूँ, तो मार्बल भी ठीक ठाक था, द प्राइस के हिसाब से इट्स ओके। और आप लोग को भी ऑर्डर करना तो आप लोग कर सकते हो। और ये यहाँ पे ऐसे कुछ जैसे मार्बल उस पर टिका रहे, वैसे इसके लिए कुछ आया था, तो यहाँ पे हम लोग मार्बल को प्लेस कर रहे हैं। साइड टेबल बहुत ही प्रिटी लग रही है और इसके ऊपर आप अच्छा सा एक वास रख सकते हो, उसमें रेड येलो फ्लावर्स रख सकते हो, बहुत ही अच्छा लगेगा। और अभी मैं हो चुकी हूँ रेडी, तो यहाँ पे मैंने मम्मी को बोला कि मेरा आउटफिट दिखाने, तो कुछ ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं था, बट ठीक है, फॉर वीडियो आई आस्क हर। और यहाँ पे मैं निकल चुकी हूँ लंच के लिए, तो मैं और मेरे फ्रेंड्स मिल रहे हैं थाने में, द फूड टाउन करके एक प्लेस है, तो हम लोग वहाँ जाएंगे और वहाँ का थोड़ा फूड एक्सप्लोर करेंगे। और रास्ते में मुझे इतना अच्छा, इतना ब्यूटीफुल व्यू लग रहा था, ऐसा लग रहा था अभी बारिश हो जाएगी, बहुत ही मस्त वेदर हो रखा था। और यहाँ पे मैं वॉक करके जा रही हूँ क्योंकि मैंने गूगल मैप चालू किया था, तो उसमें बता रहा था कि 1 या 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है, बट बाहर से ना 1 वे ही था एंड ऑटो वाले को भी दूसरा वे नहीं पता था, तो मैंने सोचा वॉक करके चल जाती हूँ, पास में ही है। सो फाइनली मैं पहुँच गई हूँ द फूड टाउन, और इसके आगे का जो भी मैंने शूट किया है वो आपको देखने मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। बाय गाइज, आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, तब तक टेक केयर।